नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यप्रिया। कहा गया है कि यतो धर्मस ततो जयः, यानी कि जहां धर्म है वहीं जय है। वेयर देयर इज राइटियसनेस देयर इज विक्ट्री। देखा जाए तो भारत की न्याय प्रणाली शायद विश्व की सबसे पुरानी न्याय प्रणालियों में से एक है। भारत की मौजूदा न्याय प्रणाली का स्रोत है हमारा संविधान और भारत की न्याय प्रणाली के शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय विद्यमान है। भारतीय न्यायपालिका की शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संविधान को बनाए रखने का सबसे ज्यादा अधिकार है। नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने का अधिकार है और विधि नियम के मूल्यों को बनाए रखने का अधिकार है। इसलिए इसे हमारे संविधान के संरक्षक के रूप में माना जाता है। तो इस विषय में कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हम याचिकाएं दायर कर सकते हैं, इसी विषय पर और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विशेष मेहमान। मैं स्टूडियो में स्वागत करना चाहूंगी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड श्री राजीव कुमार बंसल जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि अगर हम एक आम नागरिक की बात करें तो उसे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाना बहुत मुश्किल है, तो क्या है ये पूरी प्रक्रिया, किस तरह से इसकी शुरुआत होती है, ये जानना चाहेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में लोगों को लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है जाना, यहाँ पर बहुत खर्चा होता होगा, लेकिन आज के समय में सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के थ्रू नाम लिटिगेंट को कई बार खर्चे के साथ पूरा केस कराते हैं सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी में। वहाँ बात करी आता है, वो एक नॉर्मल एफिडेविट देता है। नॉर्मल एफिडेविट देने के बाद सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी उसकी एनुअल इनकम चेक करती है और उसको देखने के बाद वो उसको पूरी एडवोकेट की सुविधा, उसके पिटीशन की सुविधा, उसके सारे बात का जितना भी खर्चा होती है खुद बहन करती है। और पहले इसकी लिमिटेशन कम होती थी, लेकिन इस समय अभी हाल ही में ये 5 लाख रुपए पर एनम कर दी गई है। अच्छा। 5 लाख रुपए तक जिसके आदमी की इनकम है वो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी अप्रोच कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी अप्रोच करने के बाद उसको सारी सुविधा सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी मुहैया कराएगी। इसके बाद एक मिडिल ग्रुप, इनकम ग्रुप भी हमारे यहाँ एक सोसाइटी डेवलप की गई है। इसमें 3 एडवोकेट्स का नाम दे सकता है लिटिगेंट। यहाँ पे उसको थोड़ा बहुत हल्का नॉमिनल खर्चा करना पड़ता है, ये भी कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, लेकिन मिडिल ग्रुप, इनकम ग्रुप सोसाइटी जो है इसको पूरा कोशिश करती है कि बातकारी को उसके चॉइस का एडवोकेट दिलाया जाए। वो उसके 3 पैनल का एडवोकेट की चॉइस उसको देता है और कमेटी की पूरी पूरी कोशिश होती है कि उसको उसके हिसाब से कोई एडवोकेट जो उसकी चॉइस का है वो मिल जाए जी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कभी जब हियरिंग के दौरान जज को भी महसूस होता है, ऑनरेबल जस्टिस को महसूस होता है इस तरीके का कि बातकारी अपने आप केस लड़ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप पिटिशनर पर्सन भी केस फाइल कर सकते हैं, आप रेस्पोंडेंट पर्सन भी हो सकते हैं अपने केस के, तो सुप्रीम कोर्ट में जज आपके उसी समय कोर्ट में किसी न किसी एडवोकेट को उसकी मदद करने के लिए बोलते हैं और उसको एमाइकस क्वेरी भी अपॉइंट कर देते हैं जी। उसको सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को अप्रोच करने के लिए भी बोल देते हैं, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को डायरेक्शन दे देते हैं कि इसको एडवोकेट मुहैया कराया जाए। तो आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करना किसी भी आम लिटिगेंट के लिए उतना ना महंगा सौदा रह गया है, ना कुछ ऐसा रह गया है कि उसको अपना अंतिम लक्ष्य पाने के लिए, अंतिम आस होती है सुप्रीम कोर्ट किसी भी आदमी के लिटिगेंट के लिए, तो उसको एक सपना होता है कि मैं अपना केस जो मैंने शुरू किया था उसको अंतिम उसको ले जाई जाऊँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमेशा ऐसा हुआ है, कहीं कहीं जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिए हैं जी। कई बार लिटिगेंट्स को काफ़ी जो जजमेंट हुआ है उससे बिल्कुल काफ़ी चेंज करके दे दिया है जजमेंट। हाँ। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं जाऊँ सुप्रीम कोर्ट, तो वो सुप्रीम कोर्ट अपने खर्चे पे नहीं आना चाहता है, तो इन माध्यम से, इन कमेटीज के माध्यम से आ सकता है जी। तो सुप्रीम कोर्ट में केवल एपिलेट मैटर्स होते हैं या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी होता है, और अगर होता है तो किन मामलों में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन? सुप्रीम कोर्ट में देखिए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, सिविल ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी होता है जिसमें बड़े डिस्प्यूट्स होते हैं, स्टेट और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे कि किसी स्टेट का स्टेट से वाटर डिस्प्यूट है या बाउंड्री डिस्प्यूट है, लेकिन आम लिटिगेंट के लिए तो वह ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन
ट्रांसफ़र पिटीशंस, एक स्टेट से हम जब दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी पिटीशन को, तो वो सुप्रीम कोर्ट से ही होता है। सिविल साइड में हम 25 CPC के तहत ट्रांसफ़र की याचिका लगाते हैं, एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग को अगर ट्रांसफ़र करना है तो हम 406 CRPC में एप्लीकेशन लगाते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी एक हाई कोर्ट में पेंडिंग है, या किसी दो तीन हाई कोर्ट में पेंडिंग है जो सुप्रीम कोर्ट खुद ही डिसाइड करना चाहता है, तो सुप्रीम कोर्ट उन केसेस को भी ट्रांसफ़र कर सकता है आर्टिकल 139(1) और 2 के अंतर्गत। वो ऐसी पिटीशन हम लगाते हैं और उस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि ये केसेस यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएं और इस तरीके से इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि एक ही जजमेंट आएगा जिससे किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। दो दो जजमेंट होने से एक कॉम्प्लेक्स सी स्थिति पैदा हो जाती है, वो नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र ज्यूरिडिक्शन भी होता है। इसके अलावा रिट ज्यूरिडिक्शन होता है। रिट आर्टिकल 32 कहा जाता है प्रोटेक्टर और गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स का। इसका कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी महत्व है। और इसके अलावा आर्टिकल 32 में भी सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी रिट ऐसी एडमिट की हैं जो कि आम आदमी को इस सुप्रीम कोर्ट के फोरम की तरफ जागरूक करती हैं। कुछ ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए हैं जो कि लगता है कि आम आदमी सोचता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं, और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि आम बातकारी के केस में दो दो स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, इसको आर्टिकल 32 में इसको इसकी पिटीशन सुन ली जाए, तो वो सुनता है और रिलीफ भी देता है। ऐसे कई केसेस हुए हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 की याचिका मंजूर की है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट इन कोशिश में रहता है कि 32 की पावर यूज़ करने से पहले हाई कोर्ट में 226 में जाएं। अच्छा, लेकिन 32 की पिटीशन भी हमारे यहाँ काफ़ी कई लोगों ने लगाई है और 32 की पिटीशन कई बार मंजूर हुई है। और कभी कभी केसेस में जेपी ग्रुप वाला केस था जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 की पिटीशन सुनी, देखा कई सारे इन्वेस्टर्स हैं तो उनको फ़ायदा देने के लिए आर्टिकल 32 की पिटीशन सुनी, तो इस तरह की पिटीशन होती है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हो जाता है। इसके बाद होता है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। अपीलेट ज्यूरिडिक्शन में सिविल साइड का ज्यूरिडिक्शन होता है, क्रिमिनल साइड का ज्यूरिडिक्शन होता है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यूरिडिक्शन होता है, उसे हम कहते हैं आर्टिकल 136। आर्टिकल 136 के अंदर हम कोई भी ऑर्डर, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और किसी तरीके के ऑर्डर जो किसी फॉरम का है, एनी ट्रिब्यूनल इन द कंट्री, हम उसको चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट उसमें 136 में उस रिलीफ को देता है, और इस तरीके से एक तरीके से एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यूरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट 136 में याचिका सुनता है जी। इसके अलावा हमारे यहाँ वन एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन भी सुप्रीम कोर्ट सुनता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जब लगता है कि कोई ऐसा इशू है जिसकी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली जाए, या कोई ऐसा इशू है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो आर्टिकल 143 में नाम आम बातकारी का तो उससे मतलब नहीं होता, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है जी। इसके अलावा 142 आर्टिकल की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत अच्छी पावर है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर। जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जस्टिस होगा, इन द पेंडिंग मैटर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसा इशू है कि वो कोई जजमेंट पास कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी भी कई डिसीजन हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 142 की पावर भी यूज़ की है और आम बातकारी को बियॉन्ड इमेजिनेशन से ज़्यादा रिलीफ दे दिया है, जो उसको काफ़ी इस तरीके का महसूस होता है कि वह लोअर कोर्ट जाता या वहाँ जाता, इससे तो सुप्रीम कोर्ट सारा ही कुछ रिलीफ उसको वहीं दे देता है। तो इस तरह की भी सुप्रीम कोर्ट में केसेस हुए हैं जी। तो जब हम रिट की बात करते हैं, जैसे आपने अभी रिट का जिक्र किया, तो रिट में क्या डिले को भी देखा? डिले तो एज ए लिमिटेशन एक्ट डिले पे लागू नहीं होता। अच्छा, लेकिन फिर भी एक बात है कि लॉ मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड बाई जस्टिस मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड बाई लॉ, गुड कंसाइंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो इक्विटी की डिले तो हमेशा होती है, क्योंकि कहा जाता है डिले डिफीट्स इक्विटी। तो कोई ऐसी चीज़ जो ऐसा ना लगे कि डिले इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि केसेस में डिले के कारण कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता, जब ऐसी लैशेस की डिले हो जाती है तब सुप्रीम कोर्ट रिट के लिए अदरवाइज मना करता है। ऐसे कोई लिमिटेशन एक्ट 60 डेज, 90 डेज या 120 डेज का ऐसा कोई लॉ सुप्रीम कोर्ट में रिट के लिए नहीं है। बात करें PIL की, जनहित याचिकाओं की बात करें, तो ऐसा भी हम देखते हैं कि जनहित याचिकाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया, तो जनहित याचिका किस तरह से दायर की जाती है, क्या उसके कुछ नियम हैं? देखिए, जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, इसकी तीन खास बातें हैं। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका जाहिर करने के लिए कोई लोकस स्टैंडिंग नहीं होता, किसी भी कॉज के लिए कोई भी आदमी जा सकता है। अच्छा। उसके लिए ये जरूरत नहीं है ये कांड आपके साथ हुआ है तो आप ही जाएंगे। सोशल कॉज होना चाहिए, पब्लिक से रिलेटेड कॉज होना चाहिए, पर्सनल कॉज नहीं होना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात, इसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं होता। कई केसेस आपने सुने हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटर पे ही इनिशिएटिव लिया है, और अभी हाल ही में उन्नाव केस में आपने सुना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने
इस एक लेटर को ही कंसीडर किया, बल्कि रजिस्ट्री को भी जब आप तलब किया कि किस तरीके से ये लेटर इतना लेट तक नहीं पहुंचा और ये प्रोसीजर कोई नहीं है पीआईएल का। इसके अलावा तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि पीआईएल इज़ नॉट एन एडवर्सरियल लिटिगेशन। एडवर्सरियल लिटिगेशन हम उसे बोलते हैं जहाँ पे हमें बातकारी को या पिटिशनर एडवोकेट को कई सारी जो इन्फॉर्मेशन है, कई सारा मटेरियल जो है वो लेके जाना पड़ता है कोर्ट में। तो हमें पीआईएल के लिए ऐसा मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट को लगना चाहिए कि सोशल कॉज है और सोशल कॉज के लिए किसी पर्सनल मोटिवेटेड नहीं है, तो पीआईएल भी सुनी जाती हैं। और ऐसे कई केसेस हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल सुनी गई हैं और अच्छे कॉज डिसाइड हुए हैं, पॉल्यूशन से रिलेटेड और फॉरेस्ट से रिलेटेड कई ऐसे केसेस हुए हैं। इसके अलावा भी एक बात है कि पीआईएल आप फाइल करें और उसके बाद आप विड्रॉ करना चाहें तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं उसको। सुप्रीम कोर्ट देखता है अगर सोशल कॉज से जुड़ी कोई पीआईएल है तो उसमें भी इस तरीके के रूल्स अप्लाई होते हैं। जी, अगर हम इस पूरी प्रक्रिया की बात करें तो अमूमन इसमें कितना समय लगता है जब हम फाइलिंग से लेकर लिस्टिंग और फिर डिस्पोजल ऑफ द केस? देखिए, इस समय अगर हम कोई चीज़ मैटर फाइल करते हैं, हमारे यहाँ मैटर कोई फाइल होता है, रिट फाइल होती है या एसएलपी फाइल होती है, तो उसमें नॉर्मली बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। और अगर आपकी फाइल में कोई डिफेक्ट्स रह जाते हैं उसको क्योर करने के बाद मैटर अमूमन लग जाता है विद इन ए वीक लग जाता है। अच्छा, उस वीक में आपको अगर कोर्ट समझती है कि केस में कुछ मटेरियल है जिस चीज़ को चलने दिया जाए तो उस समय कोर्ट उसमें नोटिस करती है, अदरवाइज वो इनिशियल स्टेज पे डिसमिस हो जाता है। कभी कभी केस में ज़्यादा टाइम भी लग जाता है क्योंकि सर्विस दूसरे पार्टी को कराना एक बहुत बड़ा इशू होता है। कभी कभी एड्रेस नहीं मिलते तो इस तरह से कहना कि कितना टाइम लगता है वो तो मुश्किल बात है। मैंने कुछ ऐसे केस भी किए हैं सुप्रीम कोर्ट में जो इतने मंथ डिसाइड हो गए, कुछ केस ऐसे भी हैं जो कई साल लग जाते हैं, लेकिन उसका लिटिगेशन से इस तरीके से मतलब नहीं है। रेस्पोंडेंट की सर्विस होना और केस लगना उसमें काफ़ी समय लग जाता है कभी कभी, इसलिए उसको हम बाई चांस नहीं कह सकते कि इतना ही समय लगेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मैटर फाइल करने के बाद और डिफेक्ट को करने के बाद विद इन वीक मैटर लग जाता है। पहली हियरिंग बहुत जल्दी हो जाती है, उसके लिए आपको बहुत समय इंतजार नहीं करना पड़ता और इंटरिम रिलीफ भी मिल जाता है। कई केसेस में बहुत अच्छा अच्छा रिलीफ मिला है और बेल भी मिल जाती है। अच्छा, तो जब हम बात करते हैं याचिका दायर करने की तो क्या इसमें ज़रूरी है कि वकील हो? जैसे आपने कहा कि अपने पर्सनल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है, तो क्या सभी वकील? देखिए, ऐसा है, अगर कोई बात करी चाहता है कि मैं अपना केस खुद लड़ूं तो ये उसके लिए सबसे अच्छी बात है, वो खुद लड़ता है अपना केस। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने केस लड़े हैं, लेकिन क्या प्रोसीजर हर जगह का अलग अलग होता है। जी, बिल्कुल। जब सुप्रीम कोर्ट में एक बातकारी आता है वो भी अपना प्रोसीजर अपने हिसाब से अपना केस फाइल करता है, उसको उतना ही टाइम लगता है। अगर वो किसी एडवोकेट के पास जाता है तो वो प्रोसीजर से अवेयर होता है, उसमें कम टाइम लगता है। जी। लेकिन अपना केस लड़ने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता, आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं। और वकील करना या ना करना ये आपकी अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। ये जरूर है कि लॉ से जुड़े क्वेश्चन वकील आराम से ट्रेस कर लेता है और उसको ड्राफ्ट कर लेता है, उसको उसमें कम समय लगता है। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ऐसे भी लिटिगेशन हुए हैं जो आम बातकारियों ने अपने आप किए हैं और उन्होंने सफलता भी मिली है। जी, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी वकील को आपको लेना है तो वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही होने चाहिए या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के थ्रू ही फाइलिंग होती है। जी। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बाद फाइलिंग होने के बाद, ड्राफ्टिंग और फाइलिंग होने के बाद ही केस लगता है। उस केस में अपीयर होने के लिए विद द कंसेंट ऑफ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, अपीयरेंस एडवोकेट सीनियर भी हो सकते हैं और नॉर्मल वकील भी हो सकते हैं। जी, और जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट्स पास होते हैं क्या वो सभी के लिए एप्लीकेबल हैं, सभी बाकी कोर्ट्स के लिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। बाइंडिंग है क्या? सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो लोअर कोर्ट्स के लिए और हाई कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग है। आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियर से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा इट वुड बी बाइंडिंग ऑन एवरी कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ दिस कंट्री। सो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है वो एप्लीकेबल होता है। लेकिन यहाँ भी इसमें एक बात ये आती है, कभी हमारे यहाँ 2 जजेस बेंच का डिसीजन होता है, कभी 3 जज बेंच का डिसीजन होता है। जब 2 जज बेंच का डिसीजन होता है उसमें कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि 2 जज बेंच का एक डिसीजन है, एक दूसरी बेंच का भी डिसीजन है, तो ऐसे केसेस को 3 जज बेंच को रेफर कर दिया जाता है। तो 3 जज बेंच का जो जजमेंट होता है वो बाइंडिंग होता है फिर। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो होता है वो बाइंडिंग होता ही है
सभी कोर्ट्स में जो उसके अंडर में जितनी कोर्ट्स होती हैं जी। इससे पहले एक सवाल के जवाब में आप बता रहे थे कि जब किसी केस का स्थानांतरण करना हो तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की इसमें भूमिका है, और सुप्रीम तो क्या किसी लोअर कोर्ट में अगर केस चल रहा है अगर उसको चेंज कराना, जैसे मान लीजिए किसी का डिवोर्स का मैटर चल रहा है या ऐसा कुछ है, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगानी होती है? हाँ हाँ, एक अगर एक स्टेट में है, सपोज अगर आपका केस यूपी में किसी डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है और आपको उसे राजस्थान ट्रांसफर कराना है, तो ये दो स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो दो स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो इनमें से जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तब इस तरीके की पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल होगी। आप एक स्टेट से अपना केस अब दूसरी केस में स्टेट में ले जाने के लिए कोई प्रार्थना पत्र देते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ही देते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, ये 25 CPC में प्रोविजन है इसका, और इसका सिविल साइड की प्रोसीडिंग्स होती हैं। डिवोर्स केस होता है और नॉर्मली डिवोर्स केस में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स ही 25 CPC में अधिकतर फाइल होते हैं, सारे तो नहीं कहूँगा मैं लेकिन अधिकतर फाइल होते हैं, और अधिकतर जितने फाइल होते हैं उसमें डिवोर्स पिटीशन ही होती है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ झगड़े के बाद अपने होम चली जाती है, तो उसके बाद वो उस जगह केस फाइल करती है, तो उस केस के फाइल करती है, या हस्बैंड अब उस जगह फाइल कर देता है तो वाइफ उसको ट्रांसफर करने के लिए कहती है, या हस्बैंड अपनी कन्वीनियंस के लिए चाहता है, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगती है। और अगर क्रिमिनल साइड की अर्जी होती है, अगर FIR वगैरह से रिलेटेड कोई अर्जी है, तो वो 406 CRPC में अगर डिफरेंट स्टेट्स में होगा ट्रांसफर तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही अर्जी लगेगी। अच्छा, आपने जिक्र किया लीगल एड का भी, मैं फिर से लीगल एड के इस प्रश्न पर इसलिए वापस आ रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो शायद आम जनता जानना चाहती है। तो अगर किसी को लीगल एड लेना हो तो उसकी शुरुआत कैसे होती है? क्या किसी लीगल एड कमेटी के पास जाना होता है या पहले अपनी याचिका दायर करने के बाद फिर किसी कमेटी को आप अप्रोच करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में आजकल वेबसाइट पे भी एड्रेस पड़ा हुआ है, और नॉर्मल भी लिटिगेंट जो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना चाहता है वो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के एड्रेस पे जाके, सुप्रीम कोर्ट का ये लीगल सर्विस कमेटी का ऑफिस सुप्रीम कोर्ट के प्रीमिसेस के अंदर ही है। अच्छा, और वहाँ पे ऑफिस में पहुँच के उसको थोड़ी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, उसमें एफिडेविट देना पड़ता है, एक मैंने पहले बताया था आपको इनकम के लिए जी, क्योंकि पहले इनकम एनुअल इनकम का कम दायरा था, अब 5 लाख बढ़ा के कर दिया गया है, तो 5 लाख जो इनकम का दायरा बढ़ा के किया है उसमें 5 लाख तक के पर एनम इनकम वाले लोग सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के थ्रू अपना केस करा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के थ्रू ऑफिस में जाएंगे, वो एफिडेविट भरेंगे, अपना केस बताएंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी उनका केस आगे परसू करेगी, फिर एडवोकेट को ओपिनियन के लिए भेजा जाता है। अगर एडवोकेट की ओपिनियन मिल जाती है कि इसमें केस बनता है तो वो फाइल हो जाता है। इसमें अच्छा। किसी तरीके का संशय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई बातकारी आए और अपना एफिडेविट दे कि उसकी इनकम इस दायरे में आती है, तो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी उसके लिए केस और वकील मुहैया ना कराए, कराती कराती है। और जो पूरी प्रक्रिया है जब केस चल रहा है उसके दौरान भी वकील की कोई फीस नहीं देनी होती है उसमें? सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के थ्रू बातकारी को कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। अच्छा, हाँ ये जरूर है कि मिडिल इनकम ग्रुप वाले केस में इससे थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है, वहाँ पे बातकारी से थोड़ा नॉमिनल अमाउंट लिया जाता है, और ये भी लीगल एड सेल्स के थ्रू ही, ये भी लीगल एड के थ्रू ही है, लेकिन इसमें इसका दायरा 5 लाख तक है, उसका दायरा 60,000 रुपए पर मंथ का है, और शायद इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, तो उसमें आपको चॉइस का एडवोकेट मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी में आपको चॉइस का एडवोकेट नहीं मिलता है, यू कैन नॉट चूज लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, बट इन मिडिल इंटरम ग्रुप यू कैन चूज योर लॉयर, एटलीस्ट 3 ऑप्शंस यू कैन गिव। तो उसमें भी क्या वकील की फीस बाद में जाती है या नहीं होता? कहीं उसमें फेस होती है, सुप्रीम पहली स्टेज में डिसमिस हो जाता है, उसके लिए कुछ अलग फीस है, लेकिन बहुत ज्यादा मिला के वो बहुत ज्यादा फीस नहीं है कि जो कोई एक आदमी उसको बियर ना कर पाए, नॉमिनल सी फीस ही होती है जी। तो ये तो बात हुई लीगल एड की, लेकिन क्या कुछ ऐसी प्रक्रियाएं, क्या कुछ ऐसा भी प्रोविजन है जिससे कि केस को थोड़ा फास्ट ट्रैक किया जा सके, खासकर कुछ समूहों के लिए? देखिए ऐसा नहीं है, जब कोर्ट में केस कोई फाइल होता है ऑनरेबल जस्टिस अपने आप इन चीज़ों को देखते हैं, कुछ केसेस में उनको लगता है कि जैसे आम्रपाली का डिसीजन हुआ भी हमारे यहाँ बहुत फास्ट डिसीजन हुआ, इसके अलावा JP में भी डिसीजन हुआ, JP का केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही आया था, तो इसमें भी जब कोर्ट को लगता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं इनको कहीं जा नहीं सकते, इस तरीके का कोर्ट इनको कहीं चैनल पास करने पड़ेंगे, कहीं इनको जगह जाना पड़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस सुनती है अपने आप और डे टू डे ट्रायल भी करती है, डे टू डे भी प्रोसीडिंग होती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि ये केस ऐसा है कि इसमें जल्दी से प्रोसेस करें तो वो खुद अपने आप करती है। हमारे यहाँ जेल पिटीशंस हैं, जेल पिटीशंस लगती हैं तो वो भी देखते हैं कोर्ट की, अगर कोई आदमी जेल में है और कई सालों से जेल में है उसकी पिटीशन नहीं लग रही है तो वो पिटीशन जल्दी लगती है। बोर्ड पर आजकल
हमारे यहाँ कई तरह इस तरह की पिटीशन लग रही हैं जिसमें कई साल हो चुके हैं, तो इस तरीके की केसेस भी लगते हैं हमारे यहाँ। तो जब आप अभी जैसे जेल इनमेट्स की बात कर रहे थे, हो सकता है कुछ महिलाओं हों, जेल इनमेट्स हों या सीनियर सिटीजन्स हों, ये तो बात हुई फास्ट ट्रैक करने की, क्या उनको खुद से लीगल एड सर्विस की सुविधा उपलब्ध होती है या फिर उसके लिए आपको इन्वोक करना पड़ता है ये सर्विस? नहीं, देखिए बातकारी को आना तो पड़ता ही है। हाँ। बिना आए तो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी हर चीज़ को अप्रोच नहीं कर सकती है, लेकिन हाँ ये ज़रूर होता है कि अगर कोर्ट में बातकारी डायरेक्ट आ जाता है और कोर्ट को हियरिंग के दौरान महसूस होता है कि ये अपना केस कर रहा है, तो कोर्ट अपने आप ही अपॉइंट कर देती है किसी एडवोकेट को या लीगल सर्विस कमेटी को डायरेक्ट कर देती है कि आप इसके लिए कोई एडवोकेट मुहैया कराएं, तो ऐसा भी होता है जी। आम तौर पर जब हम किसी आम जनता से बात करते हैं तो उनकी शिकायत ज़्यादातर रहती है कि बहुत लंबे केस चलते हैं इसलिए हम केसेस नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखिए मैंने बताया आपको, अगर इंट्रीम रिलीफ होता है वो सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको डिसमिस होता है मैटर तो जल्दी हो जाता है, उसके बाद इंट्रीम रिलीफ मिलने के बाद मैटर्स क्योंकि ज़्यादा है ही हैं, बर्डन तो सुप्रीम कोर्ट पर भी ज़्यादा है ही, तो बर्डन होने के कारण जब लीव ग्रांट हो जाती है मैटर में तो उन मैटर्स को आने में टाइम लगता है, तो वो मैटर्स इसलिए लेट आते हैं क्योंकि उससे पहले के जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैटर आते हैं धीरे धीरे सभी मैटर्स आते हैं, जो पुराने मैटर में लीव ग्रांट हो गई है, लेकिन लीव ग्रांट उन मैटर में होती है जहां सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हमें इसे फुल डिस्कशन के साथ, फुल एलोबरेशन रिसर्च के साथ इस मैटर को सुनना है, ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट लीव ग्रांट करती है। तो लीव ग्रांट होने के बाद बोर्ड पर जब मैटर आते हैं उसमें थोड़ा जरूर टाइम लग जाता है, लेकिन उस समय तक जो बातकारी होता है उसको कुछ रिलीफ मिल गया होता है या उसको है कि लीव ग्रांट होने के बाद उसका केस इस तरीके का है जो पूरे विस्तार से सुना जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है जी। तो ऐसे में जो हमारे दर्शक हैं इनके मन में कई और सवाल होंगे, क्या कोई ऐसा आपका आप कोई ऐसा संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? हाँ। जो लोग सुप्रीम कोर्ट में अपने केसेस को लेकर जाना चाहते हैं, कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि बड़ी ज़रूरी है दर्शकों को जानना? दर्शकों को कहना एक ही बात ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट एक हवा कोर्ट नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता लिटिगेशन का, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने कई लीगल सर्विस कमेटी, कई इस तरह के फोरम्स इस समय हैं, कई आपकी संस्थाएं भी चल रही हैं जो बातकारियों का काम कराती हैं और कोई पैसा खर्च नहीं करती हैं, प्रो बोनो वर्क भी कई लॉयर्स खुद कर रहे हैं, प्रो बोनो वर्क करते हैं लोग जिसमें केवल कोशिश होती है उनकी कि अगर कोई इस तरह का केस है जो आदमी नहीं आ पा रहा है, तो बहुत से लोग लॉयर भी इस तरीके की संस्थाएँ चलाते हैं और कोशिश होती है उनकी कि इस तरीके के केस चलाने से कुछ आम लिटिगेंट को फ़ायदा हो। अंतिम जो लक्ष्य है किसी भी आदमी की अंतिम मास सुप्रीम कोर्ट आना होती है, और मेरा हर दर्शक को कहना यही है कि वो अपनी अंतिम मास इस कारण से कि बाद में बहुत खर्चा होगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में, ये इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पे बहुत दूर दूर तक स्टेट्स हैं, बहुत दूर से स्टेट जाने वाला, त्रिपुरा में रहने वाला, कर्नाटक में रहने वाला, उसको ये लगता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँ ऐसा करूं, ऐसा नहीं है। लीगल सर्विस कमेटी को तो आप रजिस्ट्री के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं, बहुत से केसेस हैं जिसमें आपको डायरेक्ट उनकी आप फॉर्मेलिटीज़ आप पूरी कर सकें तो कॉरेस्पॉन्डेंस से भी हो जाती है और ऐसे लोगों को आना भी नहीं पड़ता, तो उनका काम भी हो जाता है। तो आम दर्शकों को मेरा यही संदेश है कि वो अपने केस को अपनी अंतिम आस ना छोड़ें और सुप्रीम कोर्ट आने की जो भी संस्थाएँ हैं उनको कोशिश करें अप्रोच करने की, वेबसाइट पर उनका एड्रेस देखें, उनको अप्रोच करें और उनके उनको अपनी कानून के साथ अपना जो भी उनका मुकदमा है उसको अंतिम तौर पर उसे देखें, हो सकता है कहीं कहीं कोई गलती हुई हो जिससे उनको एक बाद में एक रिलीफ मिल जाए और उनका सपना पूरा हो जाए जी। राजीव जी आप यहाँ आए, आपने हमसे बातचीत की और इतनी सारी जानकारी हमें और हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी प्रकृति में जहाँ एक तरफ नकारात्मक शक्तियाँ हैं वहीं दूसरी तरफ सकारात्मक शक्तियाँ हैं, अगर हम अपने खुद के अंदर भी झांक कर देखें तो ये दोनों शक्तियाँ हमारे अंदर भी मौजूद हैं और ठीक उसी तरह समाज में भी मौजूद हैं। इसी सब्जेक्ट को लेकर हाल ही में मशहूर आर्टिस्ट सुमन सेन गुप्ता जी ने बनाई अपनी चित्र और इन चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई हाल ही में दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में। आइए देखते हैं। मेरा ये आर्ट का जर्नी शुरू हुआ था बचपन से, जब मैं क्लास 2 में थे टीचर ने मेरे को बोला कि ये चीज़ तुम में है, तो उस टाइम से ही मैंने धीरे धीरे करके इसे शुरू किया था। मैंने आप
कॉलेज में मैंने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो उस टाइम में मैंने एक कैलकाटा का गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैंने वहाँ से फॉर्म पिक किया, एग्ज़ाम दिया एंड लकीली एक शॉट में मैंने पास भी हो गया। उस कॉलेज में मैंने काफ़ी सारा चीज़ सीखा, ए पेंटिंग, स्कल्पचर, कैसे ड्राइंग करना होता है, वहाँ पे टीचर्स, इवन सीनियर्स, उस टाइम में जो सीनियर्स होते थे उनसे भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ सीखे हैं। काफ़ी सारे एग्जीबिशन में मैंने अक्रॉस इंडिया डिफरेंट डिफरेंट जगह में मैंने ग्रुप शो में पार्टिसिपेट किया। तो 2014 के बाद मैंने सोचा जे इस बार कैसे करें, तो उस टाइम ही मैंने सोचा कि मैंने पोर्ट्रेट में मेरा इतना क्लोज टू माय हार्ट है, तो मैंने इस बार इस सब्जेक्ट के ऊपर करता हूँ। बट किसका पोर्ट्रेट करूँ, बहुत सोचने के बाद मेरा एक उस लास्ट एग्जीबिशन में फेमस पेंटर संजय भट्टाचार्य आए थे, तो उससे डिस्कस हुआ जी सर मैंने किस में करूँ, तो उन्होंने मेरा काम देखा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि यू शुड फॉलो दिस सब्जेक्ट। फेमस पर्सनलिटीज के ऊपर करते हैं, इंडिया का भी होना चाहिए एंड बाहर का, जो जो डिफरेंट डिफरेंट जो योनर होते हैं, जैसे आर्ट में, जैसे स्पोर्ट्स में, जैसे पॉलिटिक्स में, जैसे म्यूजिक में, ऐसे बहुत सारे लोगों का मैंने चूज किया। मेरा सब्जेक्ट आइकन्स है, तो आइकन्स तो ऐसा भी आइकन्स होता है जो नेगेटिव रीजन के लिए भी पॉपुलर है, लाइक हिटलर, लाइक ओसामा बिन लादेन, लाइक गद्दाफी, तो उसका भी पेंटिंग कर सकता हूँ क्या? जहाँ पे मैंने इन 12 फेमस पर्सनालिटीज, नेगेटिव पर्सनालिटीज को पेंटिंग किया, जो डार्ट बोर्ड में मैंने पेंटिंग किया एंड इसका जो वॉल है ये है ब्लैक वॉल, सो बेसिकली वॉल ऑफ नेगेटिव एनर्जी। हमारे लाइफ में, हमारे यूनिवर्स में ये दो चीज़ कोई एक साथ रहते हैं, किसी के साथ किसी का कोई क्लैश नहीं है। जैसे डे नाइट, कोई नहीं बोल सकता जे डे अच्छा है, नाइट ख़राब है, इट्स लाइक को एग्जिस्ट दिस टू एनर्जी। तो इन एग्जीबिशन में सेम थॉट को मैंने लेके आया। तो आइए अब आपको ले चलते हैं संगीत की दुनिया में और आपको मिलवाते हैं गुड इवनिंग इंडिया के आज के हमारे दूसरे मेहमान से। आज के हमारे दूसरे मेहमान बेहद विशेष हैं क्योंकि इन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ से न केवल भारत के बल्कि विश्व भर के श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। तो स्टूडियो में स्वागत करते हैं हम प्रसिद्ध सूफी एवं गजल गायिका रश्मि अग्रवाल जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है रश्मि जी। बहुत शुक्रिया सत्यप्रिया। सबसे पहले तो आपसे ये जानेंगे कि क्या कैसा रहा आपका ये सफ़र, लेकिन आपके सफ़र में के बारे में आपसे सुनने से पहले हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं इस पूरी सफ़र का एक छोटा सा वीडियो जो हमने बनाया है। जरूर। तो संगीत के इस रूहानी सफर को आप किस तरह से समअप करना चाहेंगी, शुरुआत कैसे हुई सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। शुरुआत तो सत्यप्रिया बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। मैं कोई मेरा संगीत का परिवार नहीं है, बस जो रेडियो में उस वक्त गाने चलते थे और टेप रिकॉर्डर पे वही सुन सुन के मैं सीखती थी, गाती थी फ्रेंड्स के लिए, बस जस्ट फॉर फन। पर जब मैं इंटरमीडिएट में थी तो लंच ब्रेक में जैसे फ्रेंड्स कहती हैं कि अब क्या नया सीखा है सुनाओ, तो वो मैं सुना रही थी, तो मेरे जो क्लास की टीचर थी सिस्टर यूजीनिया, मैं उनका नाम ज़रूर हमेशा लेना चाहती हूँ क्योंकि अगर वो नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती।
तो उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, हमारे स्कूल में ये नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, क्यों नहीं तुम ज्वाइन कर लेती हो म्यूज़िक का? हाँ, म्यूज़िक का. तो पूछा उन्होंने कि क्या लिए हैं तो सब्जेक्ट्स, तो मैंने कहा ये लिए हैं. तो उन्होंने कहा एक सब्जेक्ट तुम चेंज करो, म्यूज़िक में जाओ. तो मैं बहुत सरप्राइज, मैंने कहा मैंने कभी सीखा नहीं, किसी को देखा भी नहीं सीखते हुए. तो खैर मैं म्यूज़िक टीचर के पास गई तो उन्होंने कहा कि सारे गामा सुनाओ. तो मैंने कहा सारे गामा, और बोली कि हारमोनियम रखा है इस पर, बजा के थोड़ा सा सुनाओ. मैंने कहा मैम ये मैं तो पहली बार देख रही हूँ हारमोनियम, फिज़िकल हारमोनियम, सिर्फ तस्वीरें देखी थी. तो खैर हंसने लगी, उन्होंने बजाया और वो तो उतार चढ़ाव था तो गा दिया. तो बोली अच्छा ठीक है कल से आ जाना. तो शुरुआत वहीं से हुई और देन आई बिकेम हर फेवरेट स्टूडेंट. And then I pursued it through my graduation, post-graduation. और शादी के बाद भी मैंने फिर ठुमरी दादरा सविता जी, जो कि सिद्धेश्वरी देवी की डॉटर हैं, उनसे सीखा. और पद्मश्री शांति हीरानंद जी से गज़ल सीखी. और सूफ़ी इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ गया, सूफी ने मुझे चूज किया जी. तो आज इस कार्यक्रम में भी क्या हम शुरुआत आपकी एक सूफी गायन से कर सकते हैं? जरूर. हजरत अमीर खुसरो का कलाम है. ये मेरी पहली ओरिजिनल सूफी एल्बम का टाइटल ट्रैक है जी. वो सुनाती हूँ. मोहे अपने ही रंग में रंग ले, हाँ रंग ले मौला. मोहे अपने ही रंग में रंग ले, हाँ रंग ले मौला. तू साहिब मेरा मैं महबूब इलाही, तू साहिब मेरा मैं महबूब इलाही. मोहे अपने ही रंग में रंग ले, हाँ रंग ले मौला. रंग ले मौला, हाँ मौला रंग ले मौला. रंग ले रंग ले मौला, रंग ले मौला. मौला रंग ले रंग ले रंग ले रंग ले मौला. क्या बात है, बहुत खूबसूरत. शुक्रिया. क्या आप मानती हैं कि पिछले कुछ समय में, अगर हम पिछले 10-12 साल की बात करें, तो सूफ़ी का जो स्वरूप है वो बहुत बदला है, ख़ासकर जब बॉलीवुड ने सूफ़ी को अपनाया और जिस तरह से आज सूफ़ी बैंड, सूफ़ी रॉक बैंड्स बनते जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसका स्वरूप समय के साथ बहुत बदला है? हाँ बिल्कुल बदला है. और कैसे मतलब देखती हैं आप इस बदलाव को, ये भी जानना चाहूँगी. बदला तो है, जैसे ट्रेडिशनल जो हमारे सूफ़ी संत हैं उनकी जो कलाम है, उनकी जो लेखनी है वो हम गाते हैं, तो उसको जैसे हम पहले गाते थे वो कबाली के तरीके से गाते थे, फिर थोड़ा और चेंज हुआ तो उसको हम अपने कोई भी कॉम्पोजिशन करके गाते हैं. फिर एक दौर आया जब इसको रॉक की तरह गाया जाने लगा. अब आजकल क्या है कि कोई भी कहता है कि मैं सूफ़ी आर्टिस्ट हूँ, मौला कह दिया या अल्लाह कह दिया, तो वो मुझे नहीं लगता कि सूफ़ी है. सूफ़ी की जो आत्मा है वो जो सूफ़ी संत लिख गए हैं, ओरिजिनल लिख गए हैं, उसमें है. जो वो भाईचारे की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, अपने मुर्शिद को अपना खुदा मानते हैं, तो वो बात एक अलग है, एक इश्क हकीकी है उसमें. तो वो आजकल एक ट्रेंड चल गया है, तो वो एक तरह से मतलब मैं उसको सूफी नहीं मानूंगी जी. तो जैसे आपने कहा कि इसकी जो रूहानियत है वही उसकी आत्मा है जी, जो इश्क हकीकी है. बिल्कुल. तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि आपके अंदर की रूहानियत ही इस आवाज़ को, उस रूहानी आवाज़ को भी इंस्पायर करती है? बिल्कुल. रूहानी आवाज़ को क्या कहेंगे, रूहानी एक जो सोल है जो आर्टिस्ट का, अगर रूहानियत है उसमें तो वो उसकी आवाज़ में अपने आप झलकेगी जी. और शब्द तो खैर है ही हैं, जो कलाम है वो तो बात ही कर रहे हैं, लेकिन अगर आदमी का अंतर्मन कपट से भरा है तो उसकी आवाज़ में वो रूहानियत आ ही नहीं सकती.
जी बिल्कुल, अभी आपने पिछले एक सवाल के जवाब में कहा, जब आपने गुरुओं का जिक्र कर रही थी तो आपने सेमी क्लासिकल, अगर हम कजरी की बात करें तो आपने उसको भी बहुत गाया है, तो क्योंकि ये सावन का मौसम है तो क्या एक कजरी भी सुन सकते हैं आपसे? हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक कजरी सुनाती हूँ। वो ख़ास मुझे इसलिए भी लगती है क्योंकि जैसे आम कजरियों में नायिका या राधा वियोग में रहती हैं, दे आर पाइनिंग फॉर कृष्णा और देयर नायक, लेकिन इस कजरी में खासियत यह है कि कृष्णा राधा के वियोग में हैं। अच्छा, तो वो कह रहे हैं, घिर आई है कारी बदरिया, राधे बिन लागे ना मोरा जिया। वो आपको सुनाती हूँ थोड़ा सा। घिर आई है कारी बदरिया, हो घिर आई है कारी बदरिया, राधे बिन लागे ना मोरा जिया। राधे बिन लागे ना, राधे बिन लागे ना, राधे बिन लागे ना, राधे बिन लागे ना मोरा जिया। और वो आगे कहते हैं, बदरा बरसे नैना बरसे, बदरा बरसे नैना बरसे, घन और श्याम में लागी है होड़वा, राधे बिन लागे ना मोरा जिया, घिर आई है। क्या बात है, कितना खूबसूरत, किसी और की आवाज़ जैसी नहीं लगती, आपकी खुद की आवाज़ की ये खूबसूरती है। तो इसका रियाज किस तरह से किया जाता है? रियाज तो जैसे शुरू में करते हैं तो वो सुबह का रियाज कहते हैं, बहुत अच्छा होता है, वो एक टोनल क्वालिटी देता है आवाज़ में, तो उसका रियाज सालों सालों लग जाते हैं। आजकल के दौर में जैसे लोग कहते हैं मैंने एक महीना सीखा है, और बहुत शान से बताते हैं तीन महीना सीखा है या साल भर सीखा है, तो ये चीज़ ऐसी नहीं है कि एक महीना, चार महीना, छः महीना या साल भर या तीन साल में भी सीखी जा सकती है, ये एक तपस्या है। बिल्कुल, और सालों लग जाते हैं इसको परफेक्ट तब भी नहीं हो पाती, एक अथाह सागर है, आप सीखते जाइए, मोती चुनते जाइए, मोती निकलते ही जाते हैं। क्या बात है, हर दिन जब आप रियाज में बैठती तो एक नई रियलाइजेशन होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने इतनी सारी प्रस्तुतियां दी, देश के सभी प्रतिष्ठित मंचों पर आपने प्रस्तुतियां दी, विदेश में भी आपने कई प्रतिष्ठित मंचों पर प्रस्तुतियां दी, और आपकी जैसे अगर हम आपके यूएस की यात्रा की बात करें, मेक्सिको की जो यात्रा रही बहुत सफल रही, बहुत लोग आए, आपको बहुत अप्रिसिएशन भी मिला, और समरकंड में आपको ग्रां प्री अवार्ड से भी नवाजा गया, तो जब आप भारत का संगीत विदेश में लेकर जाती हैं तो हो सकता है कई दर्शक ऐसे हैं जो उनके शब्दों को ना समझ पाए, लेकिन उनकी आत्मा को वो संगीत छूता है, कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? वैसे तो उन लोग हिंदी समझते नहीं हैं, लेकिन हाँ आवाज़ की सच्चाई और स्वरों की सच्चाई वो समझते हैं। पर मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर जब विदेश में गाती हूँ कि अपने गाने का सार बता सकूं, उसका भावार्थ कुछ कर सकूं उनकी भाषा में, ज़्यादातर अंग्रेज़ी में। तो अभी मेक्सिको जब गई थी तो मैं भूल नहीं सकती हूँ वो बात, क्योंकि जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो सब लोग जैसे जनरली मिलने आते हैं, तो आए एक लड़की काफ़ी देर से खड़ी हुई थी और वो वेट कर रही थी कि जब सब चले जाएंगे तो वो आराम से मिलेगी। हाँ। मुझे इसका भान नहीं था, लेकिन जब वो रुकी रही मैं उसको देख रही थी कि क्यों रुकी हुई है, क्यों नहीं आ रही मिलने के लिए, या तो क्या बात है। तो फिर जब सब चले गए तो वो आई और बस उसने ज़ोर से हक कर लिया मुझको और रोने लग गई, और मैं उसको चुप करा रही हूँ कि क्या हो गया, व्हाई आर यू क्राइंग। कई बार ऐसा होता है कि किसी को देख के किसी की याद आ जाती है या कुछ हो जाता है, तो मैं मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये रोने क्यों लग गई। तो मैंने उसको चुप कराया तो बोली कि योर म्यूज़िक हैज़ मूव्ड मी एंड आई वांट टू कम टू इंडिया एंड आई वुड लाइक टू मीट यू देयर, आई वुड लाइक टू हियर यू सिंग देयर। सो मुझे ऐसा लगा कि क्या बात है, इन गानों में,
इन सूफियाना कलाम में कुछ तो बात है जो इतना अंदर तक घर कर जाती है किसी के कि मन को इतना छू गई कि मैं एकदम अनजान एकदम पहली बार वहाँ परफॉर्मेंस दे रही हूँ और ये लड़की इस तरह से आके गले लग गई. तो ये है, इसमें कुछ तो तासीर है ही जी जो दिल को छूती है. जी बिल्कुल. मीना कुमारी जी की बात करें तो उच्च कोटि की नायिका रही हैं बॉलीवुड की और उतनी ही उम्दा शायरा भी रही हैं और आपने उनके जीवन पर एक विशेष प्रोजेक्ट बनाया. उस प्रोजेक्ट के बारे में हमें हमारे दर्शकों को बताएं. पिछले साल उनकी 85th बर्थ एनिवर्सरी थी, कल उनकी 86th बर्थ एनिवर्सरी थी. तो पिछले साल मैंने उनके लिए ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर किया था जिसको हमने महजबीन नाम से, क्योंकि महजबीन उनका पहला नाम था, मीना कुमारी तो उनका फिल्मी करियर में नाम रखा गया. तो महजबीन नाम का ये कार्यक्रम था. इसमें हमने उनकी ज़िंदगी की कहानी उन्हीं की ज़बानी, क्योंकि वो एक शायरा भी थी और अपनी अपने कलाम के थ्रू उन्होंने कितने गज़ल कितनी नज़्म लिखे हैं जो उनके ज़िंदगी के कुछ कुछ हिस्सों को हमारे सामने लाती है. इसके अलावा उनके जो आइकॉनिक फिल्म सॉन्ग्स थे जैसे पाकीज़ा के और साहिब बीबी और ग़ुलाम के, तो उस तरीके के जो उनके बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग्स हु विच रिफ्लेक्ट सम पार्ट ऑफ अ लाइफ, तो उनको हमने सबको जोड़ के एक प्रोग्राम पेश किया था. तो लोगों को बहुत पसंद आया था. इट वाज अ सोल्ड आउट शो एंड फर्स्ट टाइम इस तरह का प्रोग्राम हुआ था एंड पूरा हाउस फुल था. इट वाज सो हार्ट वार्मिंग टू सी कि लोग कितना इस तरीके के प्रोग्राम को पसंद करते हैं. जी, तो इस प्रोग्राम को बेहद सफलता मिली, बहुत प्यार भी मिला और आपने और भी कई जगहों पर इसका मंचन किया उसके बाद. लेकिन इस पूरे प्रोग्राम में से आपकी अगर हम एक फेवरेट किसी कलाम की बात करें तो मीना कुमारी जी का लिखा हुआ जो आपने कंपोज किया वो कौन सा होगा? मैंने कई कंपोज किए थे. एक अभी मैं आपको सुनाती हूँ. टुकड़े टुकड़े दिन बीता धजी रात मिली जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली टुकड़े टुकड़े दिन बीता. मीना कुमारी जी का ही कोई हिंदी फिल्म का गीत जो बेहद आपके दिल के करीब होगा. पिया है सो जिया में समाए गयो रे के मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी हर आहट पे समझी वो आए गयो रे हर आहट पे समझी वो आए गयो रे झट नैनन में कजरा लगा बैठी पिया है सो जिया में समाए गयो रे. वाह कितना सुंदर. अभी आपकी प्रोफाइल में भी हमने कबीर के नहरवा को जो आपने गाया है उसे दिखाया. तो पिछले साल आपने इसको रिलीज किया था इसके ऑडियो ट्रैक को, तो इसके पीछे क्या कहानी है? क्योंकि नहरवा को कई गायकों ने अपने अपने अंदाज में गाया है अपनी आवाज में, तो इसके पीछे कहाँ से इसकी प्रेरणा आपको मिली इसके बारे में जानना चाहेंगे. दिस सॉन्ग वॉज अ पार्ट ऑफ एन एल्बम सोल बॉक्स जो मैंने किया था और उसको रेड रिबन ने रिलीज किया था. ये पर्टिकुलर सॉन्ग मेरे बहुत दिल के करीब है. कबीर एक्चुअली उनकी क्या बात करें, उनका तो एक एक दोहा कुंडली भजन हीरे मोती के समान है. तो उनका ये वाला पर्टिकुलर जो भजन है ये ओरिजिनली कुमार गंधर्व जी का गाया हुआ है और इसको बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अपनी आवाज़ में गाया है. हालांकि सबकी धुन एक ही है पर मेरा भी बहुत मन था कि इसको करूं
और इत्तेफाक से इसका जो म्यूज़िक अरेंजमेंट जो मेरे अरेंजर हैं कुनाल, उन्होंने किया, उसको उन्होंने इतना खूबसूरत उसमें जो शुरू का है वो गंगा आरती का दिया था म्यूज़िक, तो मेरा बहुत मन था कि मैं इसको बनारस जाके शूट करूं और गंगा आरती दिखाऊं और उस जगह इसको गाऊं जहां पे कबीर रहते थे जी। तो वो एक मन में बहुत दिनों से एक सपना था कि मैं इसको इस तरह से बनाऊं और ईश्वर की कृपा थी कि ऐसा मैं कर पाई जी। हमने वीडियो देखा, बहुत ही खूबसूरत वीडियो, जितनी खूबसूरत आपकी आवाज़, जितना खूबसूरत आपका गायन, उतनी ही खूबसूरत ये वीडियो भी निकल कर आई, बहुत ही खूबसूरत। आपके आइडल्स की बात करें तो आपके जो आइडल्स हैं वो कौन रहे हैं? क्लासिकल में तो देखिए किशोर यामोनकर हैं और भीमसेन जोशी, पंडित जसराज वगैरह। जब मैं क्लासिकल कर रही थी, मैंने मास्टर्स किया क्लासिकल म्यूज़िक में, उसके अलावा ठुमरी दादरा भी मैंने किया, तो गिरजा देवी जी हैं, मेरी अपनी गुरु सविता जी हैं, शांति हीरानंद जी हैं, शोभा गुरटू। अब सूफियाना कलाम, उसमें तो नुसरत फ़तेह अली खान, आबिदा परवीन, ये मेरे मतलब दे आर लाइक इंस्टीट्यूशंस फॉर मी। इनको देख के, इनको सुन के बहुत कुछ सीखा है जी। आपने कई फ्यूजन प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया है जिसमें आपने सूफी को कथक के साथ फ्यूज़ किया, तो जब फ्यूजन प्रोजेक्ट्स होते हैं तो ऐसा कौन सा एसेंस है दो आर्ट फॉर्म्स में जो आपको लगता है कि इन दोनों आर्ट फॉर्म्स को एक साथ जोड़ा जा सकता है एक फ्यूजन प्रोजेक्ट में? जो अभिनय है वो तो नृत्य में है और जो गायकी का अंग है वो शब्दों का वो दिखाता है। तो मुझे लगा कि जो मैं गा रही हूँ, सूफियाना कलाम गा रही हूँ या मीरा का भी भजन गा रही हूँ, तो उसको कथक के द्वारा दर्शाया जा सकता है। उसमें जो अभिनय है और जो जिस तरह से उसका अर्थ डांस के थ्रू दिखाया जा सकता है, तो मैं मेरी जो फ्यूजन की जो साथ में सहकलाकार थी विधा लाल जी, तो उनसे बात हुई और उनका नृत्य भी मुझे बेहद पसंद है, तो मैंने फिर हम दोनों ने फिर बात करके ये एक कंपाइल किया और इसको भी मैंने कई इसके शोज़ हुए थे रूहदारी के नाम से इसको किया था जी। आपने एक एंथम भी गाया है विच इज़ एन एंथम अगेंस्ट करप्शन, प्रसून जोशी जी के लिखे हुए लिरिक्स थे इसमें, तो क्या मानती हैं कि एक कलाकार की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम अपने कमरे में बैठ के या एक जैसे कहते हैं कूप मंडूक की तरह नहीं रह सकते हैं, हमें समाज की ओर भी देखना है, जो हमारी जिम्मेदारी है उसको भी हमें अपने गायन के द्वारा लोगों तक पहुंचाना है। तो जो कुछ ऐसे पोएट्स हैं जैसे जो प्रोटेस्ट के लिए भी लिखते हैं या समाज के कोई उसको लेके लिखते हैं, तो उसको कंपोज करके मुझे अच्छा लगा कि मैं गा पाई प्रसून जोशी जी के इस गीत को जिसमें करप्शन के खिलाफ एक आवाज़ उठाई थी उन्होंने जी। बर्कले स्कूल ऑफ म्यूजिक में भी आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपने कई प्रोजेक्ट्स किए हैं उनके साथ? नहीं नहीं, वहाँ के जो प्रोफेसर थे उनके साथ। अच्छा, मैंने, उनके साथ आपने प्रोजेक्ट किया है। तो ये जो प्रोजेक्ट था ये इंडियन म्यूजिक के विषय में था, वर्ल्ड म्यूजिक के सिनेरियो में? नहीं, ये था सेमी क्लासिकल ठुमरी दादरा। अच्छा। और उनके जो जैज म्यूजिक के साथ था कि कैसे हमारे ठुमरी दादरा, क्योंकि ये सब इम्प्रोवाइजेशन पर आधारित है। जी बिल्कुल, मैं भी यही पूछने वाली थी कि जैज में जैसे इम्प्रोवाइजेशन जो है वो उसका एसेंस है, उसका कोर है, तो है। और ठुमरी में भी वही है। अच्छा। आप एक ही लाइन को कितनी तरह से कह सकते हैं और वही बात है जैज में भी कि आप एक ही को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो हमारी तो जो ठुमरी दादरा है वो बढ़त का है, इम्प्रोवाइजेशन की ही पूरी उसमें काम होता है जी।
तो उसी का हम लोग ने समागम करके किया था कि किस तरह से दोनों को ज्वाइन किया जा सकता है और किस तरह से ठुमरी को हम जैज़ में किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं या जैज़ को किस तरह से हम ठुमरी की तरफ ला सकते हैं, उस तरह का काम किया था जी। आपने जैसे अपने भी आइडियल्स की बात की, आपने उनको डेडिकेट करते हुए भी जैसे अपने नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की बात की या फिर अगर हम बेगम अख्तर जी की बात करें तो उनको डेडिकेट करते हुए भी आपने बहुत म्यूज़िक जो है वो बनाया है, कुछ इसके विषय में भी आप अगर हमें बता सकें। जैसे मैंने पहले बताया कि शांति जी मेरी गुरु हैं और शी वॉज द फॉरमोस्ट डिसाइपल ऑफ बेगम अख्तर, तो सीखा तो मैंने रिवायती अंदाज में ही है और पर मैंने मतलब जब आप सीखते हैं कोई भी चीज़ तो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उसके रेगुलेशंस होते हैं कि द प्योरेस्ट इज़ देयर टू गाइड यू कि आपको ऐसे इस राह पे ही चलना है, लेकिन आफ्टर यू हैव लर्न्ड उसके बाद आप हर एक आदमी का स्वभाव होता है, कुछ सिर्फ एक्सपेरिमेंट के खिलाफ ही रहते हैं, प्योरिस्ट होते हैं, कुछ चाहते हैं कि कुछ इसमें नया किया जाए, कुछ शोध किया जाए, तो उस तरह का मैंने एक गज़ल एंड जैज़ को मिक्स करके किया था, फ्यूजन करके किया था, तो गज़ल को जैज़ के साथ मिलाया था और उसका बैंड का नाम हमने जेड फैक्टर रखा था। पर नॉर्मली जब मैं गाती हूँ वो तो एक एक्सपेरिमेंट था और एक प्रोजेक्ट है जो कि इवॉल्व हो रहा है, और पर जब जब कॉन्सर्ट वगैरह होता है तो उसमें तो मैं रिवायती ही अंदाज में गाती हूँ और बेगम अख्तर के ही स्टाइल में गाती हूँ क्योंकि सीखा उसी स्टाइल में है। क्या सुनाना चाहेंगी हमारे दर्शकों को इस वक्त? बेगम अख्तर जी की कुछ चीज़ सुना दूँ? ये बिल्कुल ही ट्रेडिशनल फॉर्मेट की है और ये बेगम अख्तर साहिबा की पहली रिकॉर्डेड गज़ल थी, उसके बाद उन्हें कभी पीछे नहीं देखना पड़ा। हाँ दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, हाँ दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा ना बना दे। ए देखने वालों मुझे हंस हंस के न देखो, ए देखने वालों मुझे हंस हंस के न देखो, हाँ तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझसा ना बना दे, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। वाह कितना खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, ये बेजाद लखनवी का कलाम है जी। चलते चलते कोई कजरी या कोई चैती छोटी सी? एक कजरी ही सुनाती हूँ, फोक कजरी है जी। कैसे खेले जैबो सावन मा कजरिया बदरिया घेरिया नदी, हो कैसे खेले जैबो सावन मा कजरिया बदरिया घेरिया नदी, तू तो जात हो अकेली के ओ संग ना सहेली, गुंडा रोक लई है हो गुंडा रोक लई है तो होरी डगरिया बदरिया घेरिया नदी, वो कैसे खेले जैबो सावन मा कजरिया बदरिया घेरिया नदी। वाह बहुत खूबसूरत। रश्मि जी आप यहाँ आई, आपने समा बांध दिया गुड इवनिंग इंडिया के इस एपिसोड का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, थैंक यू सो मच।
तो गुड इवनिंग इंडिया के आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कैसा लगा आज का यह एपिसोड हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है goodeveningindia.dd@gmail.com। तो गुड इवनिंग इंडिया के एक और रोचक अंक के साथ हम जल्द लौटेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।